नमस्कार दोस्तों, इंडियन इज 28 जल्द लेकर आ रहा है देश प्रदेश की दिन भर की खबरें, तो देखते रहिए प्रतिदिन रात 8 बजे मेरे साथ से इंडियन इज 28 पर खबरें दिन भर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे, तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। राजस्थान के जयपुर में हवा महल क्षेत्र में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग मंत्री व सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी द्वारा हवा महल क्षेत्र विधानसभा में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। यह आयोजन जोरावर सिंह गेट स्थित प्रेम गार्डन में किया गया। रोजा इफ्तार में काफी संख्या में रोजदारों ने शिरकत की। सोमवार को हुए इस रोजा इफ्तार में शहर काजी खालिद उस्मानी ने दुआ कराई तथा सब ने मिलकर देश के लिए तरक्की और अमन की दुआ मांगी। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा, रमजान एक पवित्र महीना है। यह महीना हमें दूसरों की भूख और प्यास का भी एहसास कराता है। इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मनीष गुज्जर, उप महापौर असलम फारूकी भी मौजूद रहे। उप महापौर असलम फारूकी ने आने वाले रोजदारों का इस्तकबाल किया। जयपुर संवाददाता जाफर अब्बास तकवी की रिपोर्ट। जो त्याग का, तपस्या का, बलिदान का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश दिया, हम कैसे दूसरे के दुख को महसूस कर सके, कोई अगर हमारे बड़ा कमजोर कैसे उसको महसूस कर सके और कैसे उसको हम काम आ सके, ये सिखाने वाला ये महीना है। पूरे महीने भर रोजगार बहुत पवित्र भावना से रोजा रखते हैं और प्यासे रहते हैं और इस बात को महसूस करते हैं, अपने आप को, अपने अंदर को भी शुद्ध करते हैं, बात करते हैं और इस बात को महसूस करते हैं ये जो भूख होती है, ये प्यास होती है, ये किस तरीके की होती है, ये सिखाती है इस बात को कि आइंदा दिनों में जब हम रोजे पर नहीं होते, अगर हमारे पड़ोस में भी कोई व्यक्ति भूखा है तो हम उसको भूखा नहीं रहने दें, उसको भूखा नहीं। ये संदेश देने वाला इतना पवित्र, इतना क्या कहना चाहिए, परहेज वाला ये महीना, ये पूरे जीवन को बदल देने वाला। मैं सबसे अपील करता हूँ, भाईचारे से रहें, एक दूसरे की तकलीफों को समझें। हमारे खाने का पूरा, हमारा पेट भरने का पूरा मायने तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पड़ोस में जो लोग हैं वो भी नहीं। बहुत सिखाने वाला ये महीना है, मगर ईद आएगी पूरा महीना होगा, जैसे खुशियाँ मनाएंगे, मिठाई सिवैयाँ, भोजन त्यौहार पर पारंपरिक दूसरे को भी खिलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अपने आप को। ईद के दिन एक अलग ही उल्लास होता है, एक अलग ही पवित्रता रोजेदारों के चेहरे पर झलकती है। मैं सभी रोजेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ अभी से कि वो जो त्याग है, त्याग समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तकलीफ पा के रोजे रखें और जब ईद आएगी हम सब मिलकर बहुत खुशी के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल्ली।